हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक समूह शिक्षण, जिसे टोली शिक्षण भी या दल शिक्षण या टीम टीचिंग भी कहते हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है समूह शिक्षण में, जब एक से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर एक या एक साथ पाठ योजना बनाकर एक कक्षा में एक साथ जाकर पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है समूह मतलब हुआ ग्रुप, टीम टीचिंग, इसको ही दल शिक्षण भी कहते हैं, टोली शिक्षण भी कहते हैं। टोली मतलब भी क्या हुआ, एक टीम हो गई। जब एक से अधिक अध्यापक मतलब कई अध्यापक जो हैं वो एक साथ मिलकर एक साथ पाठ्य योजना बनाकर और एक ही कक्षा में जाकर एक साथ पढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समूह शिक्षण या टीम टीचिंग कहते हैं। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। कहाँ पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए में। तो इसकी शुरुआत पूछी जाती है कि समूह शिक्षण और जो समूह शिक्षण, जो टोली शिक्षण है, टीम टीचिंग है, उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है वहाँ पर हुई थी। सभी अध्यापक अपने विषय में इसमें विशेषज्ञ होते हैं, मतलब जो कई तरह के अध्यापक जो होते हैं मिल करके पाठ्य योजना को बना करके एक साथ जाकर पढ़ाते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में क्या होते हैं, निपुण होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। इसकी शुरुआत आपको पता चल गई कहाँ पे होती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होती है। समूह शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे योजना होता है, फिर आयोजन होता है, फिर मूल्यांकन, मतलब पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर इवेल्युएटिंग होता है, मतलब पहले योजना होगी, फिर आयोजन होगा, फिर मूल्यांकन होगा। आपसे पूछ सकते हैं टोली शिक्षण की प्रक्रिया में जो तीन मुख्य बिंदु हैं वो कौन से हैं, योजना, आयोजन, मूल्यांकन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग। व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी, उसमें क्या होता है, पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे क्या कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, CAI कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। थर्ड है कंप्यूटर एडिट लर्निंग, CAL। सबसे पहले क्या हुआ, व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आया, अभिक्रमित अनुदेशन आया, दूसरे में आया कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन CAI, तीसरा है CAL, इसमें फुल फॉर्म पूछे आते हैं आपके, कंप्यूटर एडिट लर्निंग। अभिक्रमित अनुदेशन जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो किसने किया था खोज, इसकी BF स्किनर ने कब किया था, 1953 में। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको किसने विकास किया, उसका BF स्किनर ने कब किया, 1953 में। विश्व की सबसे पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार 1926 में सिडनी पेरिस में हुआ था। इसमें पूछा जाएगा कि जो इसका सबसे पहले जो विकास हुआ था वो किसका हुआ था, 1926 में हुआ था, सिडनी पेरिस में हुआ था। स्किनर ने यह तकनीकी अपने ही एक अधिगम सिद्धांत पर बनाई है, कौन सा सिद्धांत था, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, मतलब जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है आपसे पूछ सकते हैं किसकी देन है, तो BF स्किनर की देन है। सबसे पहले जो मशीन का आविष्कार किया गया था वो सिडनी पेरिस में हुआ था और स्किनर ने यह तकनीकी अपने ही अधिगम सिद्धांत पर बनाई है। पूछ सकते हैं कि किस सिद्धांत बनाई थी, तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। और प्रत्येक पद के तीन कारक होते हैं, पहला है उद्दीपन, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है पुनर्बलन। तो कौन से तीन कारक हैं, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। तो आपने क्या पढ़ा आज कि समूह शिक्षण किसे कहते हैं, जब एक से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर एक साथ पाठ योजना बनाकर एक कक्षा में एक साथ जाकर पढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समूह शिक्षण भी कहते हैं, दल शिक्षण भी कहते हैं, टोली शिक्षण भी कहते हैं और या टीम टीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हुई थी। सभी अध्यापक क्या होते हैं, अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं। और इसकी प्रक्रिया में जो तीन मुख्य बिंदु थे वो कौन कौन से थे, योजना, प्लानिंग, आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग।
ठीक है। व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक में आपने देखा पहला था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन, CAI कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, CAL कंप्यूटर एडिट लर्निंग। अभिक्रमित अनुदेशन जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसे किसने दिया है, BF स्किनर ने 1953 में दिया है। विश्व की सबसे पहली जो शिक्षण मशीन थी उसका आविष्कार सिडनी पेरिस में हुआ और स्किनर ने यह तकनीक अपने ही एक अधिगम सिद्धांत पर बनाई है और यह अधिगम सिद्धांत का नाम क्या है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। प्रत्येक पद में 3 कारक हैं, कौन कौन से, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। तो इस तरह से हमारा टॉपिक समूह शिक्षण खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं समूह शिक्षण के जो टोली शिक्षण है, टीम टीचिंग है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। BEd की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।